नमस्कार, मु सोनी आपण मानको स्वागत करूछि मो चैनल सोनीस किचन को। आज मु गोटे ऑथेंटिक रेसिपी बोल गोइठा बनेबी, जहाँ को तैयारी करी बोल अमावस्या रे भोग लगा जाय थाए। या को चावल गोइठा बा ओडिया रसमलाई मध्ये कह जाय। तो बोल गोइठा बनेबे पई मु एठी 1.5 कप अरुआ चावल नैछि। चावल को एठी मु प्रथम रो बाटी नैछि। तो चावल को 4-5 घटा पानी रे भिजे कि भल भाव रे धोई नेबे। तापर एथिरे अल्प अल्प पानी देकि यार गोटे सेमिथिक बैटर बने नेबे। देखंतु बैटर एमिति होबा दरकार, बेसी पतला कि बेसी मोटा करिवेनी। चावल बटा बदल रे आपन चाहिले चावल चूना को मधे यूज करि परिबे। 2 बड़ चम्मच चीनी, चीनी आपन को टेस्ट हिसाब रे कम बेसी करि परिबे। 1/4 चम्मच लुण आ 1 लीटर खीर नै छी। खीर को एथि मु प्रथम रो फुटेइ कि रखि छी। बोल गोइठा बनेबा पे प्रथमे यार जंतुनी तयारी करि नबा। तो सेथि पे गैस ऑन करके मु एठी गोटे कढ़ी को बसे नै छी। एबे एथिरे 1.5 कप पानी दे देबा। जेहेतु मु 1.5 कप चावल नै थिली सेथि पे 1.5 कप पानी के यूज करू छी। लुण को दे देबा। फ्लेम को हाई करि नबा आ पानी को पूरा भल भाव रे फुटेबा पे छाड़ देबा। पानी गरम हिला भितरे बाटी के रखिथिबा चावल रो 2 चम्मच अलगा बाहर करके रखि नबा। तो पानी इटी पूरा भल भाव फुटी गला। एबे गैस रो फ्लेम को लो करि नबा आ बाटी के रखि देबा। चावल को दे देबा। तो चावल को एमिति दे चल थिबे आ एपटे एमिति चले चल थिबे। जेमिति आमे मंडा पे चावल जंतंती सेमिति को जंती नबा। तो एको एमिति धीरे धीरे दे चल थिबे आ चले चल थिबे। जेतु एटा शीघ्र आंटुआ हो जाय थाए तो एको एमिति कंटीन्यूअसली चले चल थिबे। नहले इतिरे बिंडा पड़ जीव बा लंस पड़ जीव। तो याको इंदे चले नेबे। चावल बटा को पूरा गाढ़ो हेला पर्यंत कंटीन्यूअसली इंदे चले नउथिबे। कंटीन्यूअसली 5-7 मिनट लो फ्लेम रे चलेला परे चावल बटा इटी पूरा भल भाव रे गाढ़ो हो जाय छी आ सिझी मध्ये जाय छी। आ जते बडे देखिबे चावल बटा इंदे कड़े रे छाड़ी जाउ छी तो जानिबे जे जंतुणी हमर इटी तयार हे गला। तबे इठे हमर गैस रो फ्लेम को ऑफ करि नबा आ याको गोटे जागा को बाहर करि नबा। जंतुणी को इठे मु गोटे प्लेट को काढ़ी नै छी। एबे हाथ रे धरि हेतला परे याको टिके टाइम ठंडा हवा पई छाड़ी दबा। जंतुणी रे हाथ रे धरि हेतला परे के पूरा भलो भाबरे ठंडा हे जाय छी। एबे हाथ रे पानी लगे नबा आ जंतुणी को भलो भाबरे चकटी नबा। चकटी बा तोरा जंतुणी आउ टिके स्मूथ हे जाय थाए। कंटिन्यूअसली जंतुणी को गोटे रे 2 मिनिट पर्यंत चकटिला परे जंतुणी टी पूरा भल भाव नरम हो जाए। एबे एथिरे आमे गोला बा बस तैयारी करि नबा। तो सेथिपाई हाथ रे एमती पानी लगे नेबे आ ए जंतुणी रु एमती अल्प करके आणिकी याको गोल करि लेबे। आपण को पसंद अनुसार याको छोट बड़ मध्य करि परिबे। तो याको एमती गोल करि नेबे। देखो तो गोटे गोला बा बॉल एठी तैयारी की रेडी हे गला। याको गोटे प्लेट को काढ़ी नबा आ ए प्रोसेस रे बाकी जंतुणी रे मध्य बॉल्स तैयारी करि नबा। हाथ रे जेतबे जंतुणी लागि जाउथबो सेतबेले हाथ रे अल्प टिके पानी लगे कि याको गोल करि नेबे। ए बोल गोइठा को प्राय शीत दिन रे ही तैयारी करा जाय थे। आपण चाहिले याको उष्णा चावल रे मध्य तैयारी करि परिबे, किंतु जे कोनोसी पूजा व्रत पई याको अरुआ चावल रे तैयारी करिबे। ये बोल गोइठा बनेबा बहुत सहज आ खाइबा पे बहुत टेस्टी लागी थे। याको बहुत सहज रे तैयारी करी हे जाय थे। सब गोला बा बॉल से तैयारी हे कि रेडी हे गला। एबे जेबा हमरो नेक्स्ट प्रोसेस को। तो एबे फोनी धरे गैस को ऑन करके मोटे गोटे कढ़ी को बसे दे छी। एबे इथिरे फुटे कि रखीथिबा 1 लीटर खीरो को दे देबा। आपण चाहिले एथिरे क्षीरर मात्रा आउ टिके कम करि परिबे, किंतु एथिरे जेतिकी क्षीरर मात्रा अधिक हेब यार टेस्ट सेतिकी भल आसिब। लोक एठी मु प्रथमरु सिझे नैथिली तो याको आउ सिझेबा दरकार नै। बास याको टिके टाइम फुटिबा पई छाड़ि देबा। तो गैस रो फ्लेम को मु एठी हाई करि नउछि। क्षीर एठी पूरा भल भाव रे फुटि गलाणि। एबे एथिरे चीनी को दे देबा। भल भाव रे मिक्स करि नबा। चीनी को टिके टाइम मेल्ट हेबा पई देबा। चीनी क्षीर सहित पूरा भल भाव मिशिजापर गैस रो फ्लेम को लो करी नबा। बाहर करके रखिदेबा बड़का चावल बटा को देदेबा।
ତ ବାସ୍ ସେ ସେମିତି ଚାଉଳ ବଟାକୁ ଦେଇ ଚାଲିଥିବେ ଆଉ ଏପଟେ ଚଲେଇ ଚାଲିଥିବେ। କ୍ଷୀର ଗାଢ ହେବା ପାଇଁ ଚାଉଳ ବଟାକୁ ୟୁଜ କରାଯାଏ ଏଥିରେ। ୟାକୁ ଟିକେ ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଚଲେଇ ଚାଲିଥିବେ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଥିରେ ଚାଉଳ ବଟାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତଳେ ବସିଯିବ ନହେଲେ ତ ମୁଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ଚାଉଳ ବଟା ସିଝିବା ପାଇଁ ଆଉ କ୍ଷୀର ଆଉ ଟିକେ ଗାଢ ହେବା ପାଇଁ 5-6 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୀରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଆଉ ଫ୍ଲେମକୁ ଏଠି ମିଡିୟମ କରିନେବା। ସାଇଡ୍ରେ ଲାଗିଥିବା ଏଇ ସରକୁ ଏମିତି ସ୍କ୍ରାଚ କରିକି ଚଲେଇ ନଉଥିବେ। 5-6 ମିନିଟ ପରେ ଦେଖିବେ ଯେ ଚାଉଳ ବଟା ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି ଆଉ କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ଗାଢ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ତିଆରି କରି ରଖିଥିବା ଏଇ ଗୋଳା ବା ବଲ୍ସକୁ ଦେଇଦେବା। ମିକ୍ସ କରିନେବା। ତ ଏହାକୁ ଏମିତି ହାଲକା ହାତରେ ମିକ୍ସ କରିବେ ଯେମିତି ଆମର ବଲ୍ସ ଗୁଡିକ ଭାଙ୍ଗି ନଯାଏ। ତ ଏବେ ଏହାକୁ ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମରେ ରଖିକି 2-3 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। 3 ମିନିଟ ଏଠି ହେଇଗଲାଣି, କ୍ଷୀର ଏଠି ମଧ୍ୟ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଗାଢ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଏହାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଗାଢ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଏହାକୁ ଫୁଟେଇ ନେବେ। ତ ଏବେ ଏଇଟା ଏଠି ରେଡି ହେଇଗଲା। ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମକୁ ଅଫ୍ କରିନେବା ଆଉ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ମୁଁ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବାହାର କରିନେଇଥିଲି, ଏବେ ଏହାକୁ ସର୍ଭ କରିନେବା। ୟାକୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏମିତି ବି ଖାଇପାରିବେ, ନହେଲେ ତ କିଛି ଟାଇମ୍ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିକି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଥଣ୍ଡା କରିକି ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ଏଇଟା ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଆଉ ଟିକେ ଗାଢ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଆମର ବଉଳ ଗଇଁଠା ବା ଓଡ଼ିଆ ରସମଲେଇ। ୟାକୁ ଆପଣ ଘରେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।